asalaamu alaikum everyone and welcome to ipri's podcast today we're joined with mr muhammad ashraf who has over 25 years of experience in both international and national health insurance and universal healthcare management currently he serves as the ceo of the national health insurance program and the federal civil Sehulat program thank you so much for joining us today sir सर टुडे वी वेयर टू टॉक अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट ईशू जो पाकिस्तान में हर हाउस होल्ड फेस करते हैं जो कि है ऑफ़ मटर्नल हेल्थ एंड सो वन वी एंड एज सी ई ओ ऑफ़ द सेहत सहूलत प्रोग्राम यू हैड अनाफ एक्सपीरियंस टू सी के पाकिस्तान में उसके क्या प्रॉब्लम्स आते हैं तो टू तो स्टार्ट वे uh, नज़र में मेजर इशूज़ मटरनल हेल्थ के पाकिस्तान में क्या हैं थैंक यू मह फॉर गिविंग दिस ऑपरचुनिटी टू शेयर विद यू बिंग हेड ऑफ़ दर्ल्ड्स वन ऑफ़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम आई कैन सी के पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो uh, दोस्म के हैं एक है अवेयरनेस एट द पार्ट ऑफ कामन वमेन स्पेशली ख़वान के लिए और ही उनसे जो वाबस्ता जो उनके मर्द हजरा हैं उनके लिए नेचुरली कि मेटरनल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वो माँ का जो है दौरान प्रेगनेंसी किस तरह से ख्याल रखना है उसकी डाइट का उसकी दवा दारू का उसके चेकअप्स का चाहे वो एंटी नेटल हो चाहे वो पोस्ट नेटल हो और कितना ज़रूरी है कि वो टिपिकल होम बेस्ड डिलीवरी के बजाय उसे इंस्टीट्यूशन बेस्ड डिलीवरी पे हम लेके जाएं ताकि खुदाखास्तक कोई चीज़ अगर गैर मुतव हो तो उसे हैंडल किया जा सके और जो दूसरी साइड है इसकी वो एक कमर्शियल साइड है अनफॉर्चुनेटली जो हमारी आ, मैं अभी स्पेसिफिकली मेटर्निटी की बात कर रहा हूँ तो वहाँ चैलेंज ये है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या जो गाना कॉलेज बरदरी हैं हमारी तो वो बाद थोड़ी सी रेड लाइन क्रॉस करती है कि वो कोशिश ये करते हैं कि बजाय कि जो प्रेग्नेंट खावी उनके पास आती हैं ख़ासतौर तो पर जो यंग बच्चियाँ जो आती हैं तो उनको बजाय के एस की तरफ मोटिवेट करें एच बी टी से उनको गुजारें वो अपना टाइम बचाने के लिए फॉर द कमर्शियल कंसिड्रेशन्स दे ट्राई टू कन्वेंस दैम और सेल दैम टू गो फॉर द सी सेक्शंस उसकी वजह से वो बच्ची जो है वो ना सिर्फ उस प्रोसीजर के दौरान मुख्तलफ़ के तबी ख़तरा से दो चार होती है बल्कि वंदा ज़िंदगी भर के लिए फिर सी सेक्शन की मोहताज हो जाती है फॉर सब्सिक्वेंट डिलीवरीज़ के लिए उसी तरह वो जो बच्चा जो डिलीवर होता है उसके लिए भी बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं तो वहीं से आगाज़ होता है कि वो जो माँ भी और बच्चा भी उनको रिकवरी के अंदर भी और वल्राबलिटी इन टर्म्स ऑफ द इन्फेक्शन्स वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं और तीसरा जो आखिरी साइड है इसका वो बेसिकली हुकूमत की तरफ से है वो है कि रिलायबल फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर का अवेलेबलिटी जो है वो बड़ा चैलेंज है क्योंकि दुनिया के हर तरक्की पजीर मुल्क की तरह हमारे यहाँ भी जो अच्छे तलीमी इदारे या जो सेहत के इदारे हैं वो कंसंट्रेटेड हैं अर्बन हब्स में वो जो बहुत बड़े वास्ट हमारे जो कि सेवेंटी सेवेंटी फाइव परसेंट जो रूरल एरियाज़ हैं वो लेक करते हैं किसी रिलायबल प्रोफेशनल फैसिलिटीज के लिए तो उसकी वजह से फिर वो बहुत से अनस्किल्ड लोगों का शिकार होते हैं बिल्कुल जर। यही जो आपने अर्बन फैसिलिटीज की बात की है मेडिकल फैसिलिटीज की बट वी आल्सो सीन के मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हुए भी आ, जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें देर लॉट ऑफ पीपल हु प्रेफर टू हैव बर्थिंग डन एट होम एक कॉन्फिडेंस mm -hmm. का भी इशू है बिकॉज कोई एक एक कल्चरल माइंडसेट है कि अस्पताल नहीं जाना अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर घर पे ही हो जाए तो वॉट डू यू थिंक इज़ ए प्रॉब्लम उसके अंदर क्या है कि जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं बट लोग फे भी नहीं जाते इसकी भी दो वजूहत हैं एक वजह इसका मैं जिक्र करना पिछले सवाल के जवाब में रह गया था वो बेसिकली अफोर्डेबिलिटी भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ कोई अस्सी नब्बे की दहाई तक तो पब्लिक सेक्टर अच्छी सर्विस दे रहा था लेकिन उसके बाद बहुत सीवियर किस्म का हेल्थ में भी और एजुकेशन में भी डिटेरिएशन हुआ तो जो अफोर्डेबल सेगमेंट था वो तो चला गया प्राइवेट सेक्टर के पास और एक जनरल परसेप्शन बन गया और परसप्शन नहीं मुझे कहने दीजिए कि वो रियलिटी है कि अब अच्छे जो सर्विसेज जो एक ज़माने में मिला करती थी सरकारी अस्पतालों में अब बड़ी नायाब हैं यानी कि नहीं है ज़रूर चंद अस्पतालों में होंगे अब टू तो सम एक्सटेंट तो नहीं है तो उसकी वजह से अब आम लोग ये डरते भी हैं कि यार अगर वो सरकारी अस्पताल लेके भी जाना है वहाँ की बहुत अच्छी सहूलियत अवेलेबल नहीं होंगी दूसरा ये कि प्राइवेट काम अफोर्ड नहीं कर सकते और तीसरा जहाँ आपने पहले इशारा किया तो उनका ख्याल है कि जी अस्पताल तो जो जाना है किसी बीमारी या मजबूरी में चाहिए तो नॉर्मल डिलीवरी उनका ख्याल में कि वुमन के लिए औरत के लिए एक आम सी बात है दिस इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस लेकिन उन्हें नहीं इस बात का अंदाज़ा कि वो औरत जब इस सारे प्रोसेस से गुज़रती है किस तरह आग और खून के उदरिया से बेसिकली गुजरती है कहीं भी कोई पेचीदगी पैदा हो सकती है जो एक टिपिकल सेटअप की जो मिड वाइफ है जिसको आप दाई अम्मा कहते हैं वो शायद उसको कॉम्प्रीह भी ना कर सके उस बच्ची का या उस बच्चे का ऐसा नुकसान हो जाए जो उन जालदेन को शायद सब्सिक्वेंटली कुछ चंद सालों बाद जा एहसास हो कि जी को हो वो फ़ला चीज़ कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हो गई कोई ख़राबी हो गई उसके कोई और इन्फेक्शन हो गया ख़ातून को तो वो एक बड़ा चैलेंज है तो इसमें मेरा ख्याल है कि जो सारी सरकारी और गैर सरकारी इदारें दोनों की जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें कि जी होम बेस्ड डिलीवरी जो है वो कोई प्रेफर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए सिवाय इसके कोई बहुत मजबूरी हो और अच्छी बात यह है कि जब से ये सेहत कार्ड प्रोग्राम पाकिस्तान में आया है कोई अराउंड सिक्सटी परसेंट इजाफा हुआ है होम बेस्ड डिलीवरी से शिफ्ट हुई है इंस्टीट्यूशन बेस्ड डिलीवरी पे क्योंकि हमने एक तो पूरे पाकिस्तान भर में कोई ग्यारह सौ पचास अस्पताल हैं जो सेवेंटी परसेंट प्राइवेट हैं और थर्टी परसेंट पब्लिक है वहाँ ये सहूलत दे दी है अगर हम पे काफ़ी क्रिटिसिज्म था जब हम ये बेनिफिट पैकेज बना रहे थे आज से कुछ पाँच सात साल पहले कि जिस सेहत कार्ड प्रोग्राम में आपने मेटर्निटी को क्यों शामिल किया है तो ये दुनिया भर में तो कि बीमारी नहीं समझते तो आपको तो सिक्योरेटिव साइड पर रहना चाहिए वाई यू आर इंटरजिंग विद दिस काइंड ऑफ सर्विस मैंने कहा जी मसला है कि एम एन सी एच या मैटर्निटी जो है सर्विस है ये बहुत ही ज़्यादा अभी हमारे पास लैक करती है वो सर्विस लोगों का अवेलेबल नहीं है उसकी वजह से लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते और लोगों का अवेयरनेस भी कम है तो अगर हम ये इसमें डालेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो भी एम भी इम्प्रूव हुआ है पिछले कई सालों के अंदर और आई भी जो डोनेटल भी और बच्चों की जो माओं का भी जो डेथ का था काफ़ी तो फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आई है तो उसकी वजह यही है कि अब लोगों को पता है कि जी जो इलाके के सरकारी अस्पताल हैं या जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ शनाख्ती कार्ड दिखा के सेहत कार्ड की सहूलत हासिल कर सकते हैं और अब चूँकि यूनिवर्सल हो गया दो साल से तो ये वर्ड ऑफ माउथ बन गया है जिस जमाने में हम पहले सिर्फ बिलो पावर्टी प्रोग्राम चला रहे थे तो कुछ लोगों को था पता कुछ लोगों को नहीं पता था अब चूँकि ये हाउस होल्ड वर्ड बन गया है तो अब इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है ठीक सर एंड सर उसके अंदर भी आ, एक जो हम बहुत ज़्यादा इशू देखते हैं लोगों का हॉस्पिटल ना जाने पे स्पेशली रूरल एरियाज़ में वो एक जेंडर इशू है कि वेमेन डोंट फील कम्फर्टेबल एंड इवन द मैन इन यर फैमिली डोंट फील कम्फर्टेबल विद दैम बीइंग ट्रीटेड बाई मेल डॉक्टर्स तो जो सेहत सहूलत कार्ड है उन्होंने उसके ऊपर भी कोई काम किया है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेम जेंडर स का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया माहम बात ये कि हम इसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं दिस वैल्यूज और हमारे कंसर्न और आज भी पाकिस्तान के किसी मॉडर्न तरीन फैमिली से भी पूछें तो उनका प्रेफर्ड ऑप्शन वही होगा कि अगर सेम जेंडर अवेलेबल है पाकिस्तान में थोड़ा सा चैलेंज है और अब लेकिन चूँकि पहले जो रूरल एरियाज में जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे सरकारी में थी सहूलियत की वो लगे डॉक्टर्स अवेलेबल होती थी लेकिन ये कि वो कम होती थी या कहीं पोस्ट आउट करा कहीं बाहर चली जाती थी और प्राइवेट अस्पतालों में ज़रूर गाये होती थी लेकिन कोई एक आध होती थी और उनका शायद बिजनेस इतना नहीं था तो सेहत कार्ड आने के बाद जब पेशेंट ट्रैफिक बढ़ा तो उन्होंने मज़ीद हायर किया नर्सिंग स्टाफ को भी और ये जो मिड वाइफ सपोर्टी जो टेक्नीशियंस होती हैं उनको भी और गाय की बड़ी तादाद तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये जेंडर वाला जो इशू है ये ख़ाल पाकिस्तान में काफ़ी हद तक एड्रेस हो गया बहुत कम अब शिकायतें आती हैं अब पहल, लेकिन अब सोसाइटी भी इस रियलाइज़ कर रही है कि यार जहाँ हेल्थ का लाइफ एंड डेथ का मामला हो तो चाहे मेल हो या फीमेल हो अल्टीमेटली वो उसी तरह अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं उस बच्ची को या उस अपनी खातून को जो तो काफी है तो अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है

जी जी बिल्कुल हमारे तमाम बैनि से बड़ा क्लोज कोआर्डीशन uh, है लेकिन सारी जो इम्प्लीमेंटेशन है या प्रोग्राम की फाइनेंसिंग है वो सारी हुकूमत पाकिस्तान याबाई हुकूमतों के पास है तो ये सारे जो डोनर एजेंसीज वगैरह जो हैं वो चार उनकी बड़ी अच्छी इंटेंशन होती हैं वो सारे इदारे डब्ल्यू एच ओ समेत आगे बढ़ के उन गैप्स को फ़िल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि मुकामी हुकूमतें बात नहीं कर पा रही होती हैं लेकिन यहाँ ये यह बात मद्दनज़र रहनी चाहिए कि जो भी बैनी इदारे हैं वो आपको सिर्फ एस ओ एस हेल्प कर सकते हैं आपको गाइड कर सकते हैं आपको पायलट प्रोजेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली ये बोझ आपकी खुद उठाना होता है और उसको खुद चलाना होता है तो जो तो सुपरफिशियल किस्म के कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो नेचुरली डोनर के एग्जिट के बाद नहीं चल पाते हैं नहीं। लेकिन जो ज़्यादातर जो है वो बैन अवी इदारे भी इसको बड़ा सीरियस इंटरवेंशन के तौर पर काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हकूमती जो मुतल महकमे होते हैं अच्छे तरीके से ऑनरशिप लेके काम करते हैं और पोलिटिकल लीडरशिप भी और जो सरकारी लीडरशिप भी क्लोजली उसको वॉच करती है तो वहाँ डेफिनेटली बड़े अच्छे तए जाते हैं ठीक एंड फिर इसी बात पे कि जब आपने कहा कि डोनर फंडिंग चली जाती है तो वो प्रोग्राम भी लैप्स कर जाता है पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक सिचुएशन तो इज़ नॉट हिडन फ्रॉम एनीवन तो आपको लगता है कि सेहत कार्ड जो है जिसने फ्रॉम ऑल मैटर्स बहुत अच्छा काम किए दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू बी अ सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंसीडरिंग द इकोनॉमी दैट वी आर इन राइट नाउ गवर्नमेंट उसको सस्टेन कर सकेगा इन द लॉन्ग टर्म जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकेगा कोई शक की बात ही नहीं और यही वजह है कि हमने पहले दिन से लोग मुझे ब्लेम भी करते हैं अ लीडर ऑफ दिस प्रोग्राम कि मैंने इसमें फ़ौर फंडिंग फार्ण नहीं आने दी आपको जो पूरा सेहत कार्ड प्रोग्राम है डे वन से ये टोटली आपके टैक्स मनी से आपके ख़जाने से और आपके लोगों के पैसे से और आप लोगों की सेहत के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अगर अगरचे काफ़ी मुझसे प्रेशर रहा बैन अल्वी इदारों को उन्होंने ऑफर किया हमें कि जो हम फाइनेंसिंग देने को तैयार हैं लेकिन मेरे पेश नज़र दो चीज़ें थी एक ये कि अपनी कौम का कॉम आपकी फैमिली होती है तो उसका आदायर है कि आप कोई मांग तांग के इसका इलाज नहीं करवा सकते तो करवाएंगे तो आखिर कब तक करवाएंगे वही अगेन कि डोनर एग्जिट कर जाएगा तो फिर आप क्या ममू दिखाएंगे फैमिली को कि जी अब वो पैसे नहीं आ रहे खैरात में या चैरिटी में जो मिल रहे थे या लोन में मिल रहे थे आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो डैट वाज नॉट द माई डायरेक्शन बिल्कुल सीधी है जो दूसरा आपने सवाल किया कि जी ये इसकी कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी का तो ये मैं आपको भी और आपके जरिए थे जितने भी सुनने वाले हैं इस पॉडकास्ट को उनकी कंजम्पशन के लिए बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रिसोर्स की और अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस वक्त जब हम ये आप ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो चार सूबाई हकूमतें दो इलाकई हुकूमतें एजे के एन जी पी और एक वफाकी हकूमत सात हुकूमतों का जो मेन स्ट्रीम पब्लिक सरकारी बजट है वह है कोई ग्यारह सौ पचास अरब का और इसमें अभी हम आर्मी के पाकिस्तान टॉमिक एनर्जी कमीशन के या जो बाकी जो इदारे हैं कॉर्पोरेशन के उनके मेडिकल बजट की बात नहीं कर रहे ये मेन स्ट्रीम वो बजट है जो सूबाई या वफाकी वज्रा ख़जाना पब्लिक स्पीच में अपने हाउस के सामने करते हैं एक तरफ ये बात मद्दनज़र है साढ़े ग्यारह सौ अरब के आप दो हिस्से कर लीजिए एक हिस्सा वो है जो कि इनपेश सर्विसज या हॉस्पिटल जहाँ दाखिले की ज़रूरत पेश आती है उन बीमारियों पर इस्तेमाल होता है जो तकरीबन आधा पैसे जो है कोई साढ़े पाँच सौ अरब के करीब कह लीजिए वीरीबा ओ पी डी प्रायमरी हेल्थ केयर प्रिवेंशन या जो वर्टिकल प्रोग्राम है हेपाटाइटिस वगैरह वगैरह तो उनके लिए इस्तेमाल होता है तो आज अगर मैं आपको हेल्थ कार्ड के कुछ फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में बताना चाहूँ इस वक्त हमने कोई पाकिस्तान के बीस करोड़ आबादी को तकरीबन एटी परसेंट है क्योंकि जो हालिया सेंसस में नंबर आ रहे हैं वो कोई दो सौ पचास मिलियन के हैं तो इस वक्त तो मेरे पास पूरा पंजाब ए जे के जी बी आई सी टी के पी एन एम डी के पी से एक्सवाटा कहते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट थर ऑफ सिंध और अब अगले महीने से बल्कि इसी महीने से ालिबन जो है अगले हफ्ते दो पंद्रह दिन में जो है बलोचिस्तान भी इस प्रोग्राम में यूनिवर्सल बुनियादों पर शामिल हो रहा है तो सिर्फ सिंध के सूबे की जो है वो अभी डिस्कशन चल रही है हमारी सूबाई हुकूमत से क्योंकि अठारहवीं तरमीम के नीचे ये सूबाई सब्जेक्ट है मैंडेट भी, भी उनके पास है और रिसोर्सेज भी उनके पास हैं तो आई होप कि अगले साल भर में शायद उनको भी हम कन्वेंस कर लेंगे लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट थरपाकर ऑलरेडी कवर हैं तो हैविंग सेट डेट आज जो नंबर्स हमारे हैं फाइनेंशल नंबर से अगर मैं सारे पाकिस्तान को सिंध समेत तो अगर इन पच्चीस करोड़ पाकिस्तानियों को सेहत कार्ड दे दूँ तो मेरे पास जो सारा मुझे हेल्थ कार्ड का बजट होगा वो कोई सवा दो अरब का होगा टू बिलियन अब तस्वुर कीजिए कि पाकिस्तान का मौजूदा मेन स्ट्रीम पब्लिक हेल्थ सेक्टर बजट है कोई 1150 अरब का और सारे पाकिस्तानियों को अगर हम हेल्थ कार्ड दे, दे दें तो सारा जो ख़र्चा होता है सिर्फ सवा दो सौ अरब का होता है और वाज रहे कि सेहत कार्ड जो है वो बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन या दाखिले की सूरत में इलाज की सहूलियत मुहैया करता है तो सिर्फ अगर बीस परसेंट मौजूदा सेहत के बजट को ख़र्च करके हम किसी इजाफ़ी बजट की बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि वही जो साढ़े छः सौ अरब जो आप ऑलरेडी एक हस्पताों को दे रहे थे उसके ज़रिए हेल्थ कार्ड के ज़रिए ख़र्च कर दिए जाएँ तो ये सारे पाकिस्तानी सुकून की नींद सो सकते हैं कि कल सुबह कोई परेशानी हुई खुदा ना खास्ता उनके किसी भी प्यारे को तो उन्होंने सिर्फ कौमी शिनाख्ती कार्ड या बच्चे का बेफार्म जैब से निकालना है वो किसी भी पैनल हस्पताल में जो साढ़े ग्यारह सौ से ज़्यादा हैं पाकिस्तान के किसी कोने में रहने वाले हों वो किसी कोने में आप मौजूद हों अब हर जगह अपना इलाज करवा सकते हैं तो ये सहूलत दस्याब है और हेल्थ इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है आप तस्वुर कीजिए कि अमरीका जैसा तरक् याफ्ता मुल्क जो है आज के दिन उसकी कोई बीस से बाईस परसेंट आबादी नॉन हेल्थ इंश्योर्ड है इसी वजह से एक सिया फाम वकील बराक ओबामा ने दो दफ़ा इसी हे, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ये अपना इलेक्शन जीता है इसको आपने सुना होगा ओबामा केयर के नाम से बड़ा मशहूर है तो सियासी तौर पर इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ह्यूमन साइड से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और फाइनेंशियल साइड से तो पक्का पक्का हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि पहले हम बाकी दुनिया की तरह जो सिस्टम हम अडॉप्ट किया हुआ था वो था सप्लाई साइड सिस्टम जिसमें हुकूमत क्या करती है कि अस्पतालों की जेब में बजट डाल देती है और कहती है कि ये पच्चीस करोड़ पाकिस्तानी हैं जब इन्हें इलाज की ज़रूरत पेश आए तो इन्हें आप इलाज दे देना पर वो अस्पताल की मर्ज़ी है कि इलाज करें ना करें अब हमने काम उल्टा किया है डिमांड साइड पर ले आए हैं कि हमने पैसे अस्पतालों की जेब से निकाल रहे हैं तो हम सेहत कार्ड की शक्ल में आवाम की जेब में डाल दिए हैं और आवाम को ये पहली बार च्वाइस दी है कि वो अपनी मर्जी के प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करवा लें तो रिसोर्स की कोई कमी नहीं है ऑल अबाउट ऑफ द फंड्स बिल्कुल ठीक है सर एंड सर इसके ऊपर आपने जो एक बात की थी वो मेरे साथ रेजनट की कि 18th अमेंडमेंट के वजह से जब प्रोविंसेस के पास ये टॉपिक चला गया है उसके अंदर आपकी आप क्या फ़ील करते हैं कि हाउ इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसके ऊपर और उसमें आपको कोई हर्डल्स आते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम हमने इसको बड़ा शुरू से सादा रखा है बिल्कुल आइनी स्कीम के आन मुताबिक अठारहवीं तमीम के स्प्रिट के मुताबिक रूह के मुताबिक हमने ये किया है कि जो सारी जो कोऑर्डिनेशन टेक्निकल असिस्टेंस बेनिफिट डिज़ाइन प्रोक्योरमेंट्स टेक्निकल पार्टनरशिप्स उनको हमने रखा है नेशनल लेवल पर इसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी सारी जो मोनीटरिंग एंड कंट्रोल्स हैं वो हमने कोशिश की है कि सूबाई सतह पर रखे हैं और चूँकि रिसोर्स भी उनके पास हैं तो सुबह पंजाब की जो हुकूमत है वो सारे अपने शहरीों की फंडिंग वो मुहैया करती है इसी तरह के पी के पी के लिए बलोचिस्तान बलोचस्तान के लिए और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इस्लामाबाद के लिए ए जे के लिए जे बी के लिए पहले फाटा के लिए भी कर रही थी अब फाटा चला गया वापस के पी के पास और डिस्ट्रिक पार्क का सिंध के लिए तो ये बड़ा अच्छे तरीके से हमने चारों शूबों को अतमाद में लेके हैंड इन हैंड बिल्कुल काम कर रहे हैं जहाँ तक तो सेहत कार्ड के पाकिस्तान का ताल्लुक है वी हैव वंडरफुल रिलेशनशिप विद ऑल आवर प्रोविशल पार्टनर्स और हम मिल के काम करते हैं और यही वजह है कि आई थिंक्स आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एवरी सिंगल डे अराउंड ट्वेंटी थाउजेंड प्लस एडमिशंस आर बीइंग टेकिंग प्लेस और कोई बीस से पच्चीस हज़ार ख़ानदान हर रोज़ गुरबत की लकीर के नीचे जाने से बच जाते हैं बिल्कुल सर दैट्स वंडरफुल टू नो और सर इसी इशू uh, पे वी कम बैक टू द मटर्नल हेल्थ इशू आपने भी पहले मेंशन किया था एंड आई एग्री के जो वॉल्टरी सी सेक्शन होता है जिसमें डॉक्टर आपको कहते हैं कि सी सेक्शन इज इज मोर टू टेक वो आप ले लें तो वॉट हेज़ दिहत सहूलत प्रोग्रामर टू स्टॉप दैट फ्राम हैपनिंग ये बड़ा मुश्किल आपने सवाल किया है हमने बड़ी कोशिश की गायनाकोलॉजिट बरदारी को भी ठीक है एतमाद में लेने की कोशिश की बच्चे बच्चों को भी अवेयरनेस कर रहे हैं बहुत सारी गायनाकोलॉजिस्ट जो हैं बहुत शानदार काम कर रही हैं लेकिन बहुत सारे गाना को लोजिस्ट को मेरी शक्ल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती आपस की बात है क्योंकि तो आई एन ए बिग फेवर कि जी हमारे बच्चियों को हमारे ख़वान को इस किस्म के वॉल्टियर कह रही हैं आप मैं तो जबरी कहता हूँ जबरी किस्म के सी सेक्शन से बचाया जाए उनकी जान उनकी सेहत बहुत ज़्यादा कीमती है तो हमने ये किया कि जो एक चीज़ तो हमने की बड़ी काम की जो हमने यूँ किया कि जो सी सेक्शन और जो एस का जो पैकेज है हमने यकसा कर दिया ठीक है ना हमने कहा जी ऐसा करते हैं कि सी सेक्शन का फाइनेंशियल इंसेंटिव ख़त्म कर देते हैं तो अगर फॉर एक्जाम्पल हम तीसरे रुपए दे रहे हैं किसी को मटर्निटी पैकेज के लिए तो अगर तो वो गाना कॉलेज की अस्पताल जो हैं वो उस खातून का नॉर्मल डिलीवरी करेंगी तो सिर्फ पाँच रुपए खर्च होंगे एंड दे विल मेक ट्वेंटी फाइव रुपीज़ लेकिन अगर वो सी सेक्शन पर जाएंगे तो दे विल स्पेंड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ एंड दे विल मेक ओनली फाइव रुपीज़ हमने किसी तरीके से लोग थोड़ा सा एस बी डी की तरफ जाएँ नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएँ ताकि हमारे बच्चों की जान बच सके और आगे भी उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा और जो है कोई एक ज़माने में एटी एटी फाइव परसेंट तक सी सेक्शन हो रहे थे अब वो कोई सिक्सटी की तरफ आ गए हैं बट अब मेरा ख्याल है कि हमें आप जैसे इदारों की और ज़रूरत है कि इसको आपदा लाइम लाइट में लेकर कर आएँ और हमारे बच्चों को भी कहें कि वो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से ज़्यादा मुतासर ना हो और जो एक नॉर्मल अल्लाह तला ने जो कोर्स रखा है उसी को अडोप्ट करें लॉन्ग टर्म वही फ़ायदेमंद है और साथ साथ मेरी जो गाना कॉलोजिट जो हमारी बरदरी है उससे मेरी ये रिक्वेस्ट है ज़्यादातर तो ताउन करती है लेकिन कुछ लोग शायद जो इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि कमर्शियल कंसीडरेशन से ज़रा ह्यूमन कंसीडरेशन ज़रा इम्पोर्टेंट है तो से उनसे से ये मेरी ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि वो भी इसी तरफ आए और अपने बच्चों की तरह अपने जो है कस्टमर को ट्रीट करें बिल्कुल एंड सर उसके अंदर मटर्नल हेल्थ की जब आप बात करे थे तो उसमें ये भी है कि सेहत सूर्य कार्ड जो है डज इट इन एनी वे हेल्प विद फैमिली प्लानिंग इनिशियटि या इज़ दैट समथिंग जो आपने अपने मैंटल के अंडर लिया हुआ है जी बिल्कुल लिया हुआ <laughs> मैं कहा कि चूँकि ये पहले ये बात पेश नजर थी कि अगर हमने माओ की और बच्चों की सेहत का ख़्याल रखना है तो कौम खुद ही हेल्दी हो जाएगी तो हमने मेटर्निटी पैकेज में जिस तरह नॉर्मल डिलीवरी कवर की हुई है बिल्कुल सी सेक्शन कवर किया हुआ है फिर एंटीनेटल केयर के कम से कम चार विजिट हमने एन सी के और एक विज़िट कम से कम जो है वो पी एन सी का तो वो भी हमने पोस्ट नेटल केयर भी किया हुआ है जिसमें कि वाटर साउंड भी हो बच्ची को आयरन शायर की टैबलेट्स भी दे दें और उसका कंसल्टेशन भी सब चीज़ें कवर हों और साथ साथ ही जब वो डिलीवरी हो जाए उसकी तो उसकी बच्चे की वैक्सीनेशन भी उसमें शामिल कर दिया हमने फैमिली प्लानिंग वगैरह मिलने हैं वो भी हमने इसमें कवर कर दिए हैं ठीक है तो, because, to, एक और, एक और में जाते। इसकी वजह से आपको कोई बैकलैश फ्रॉम जो हमारा एक रिलीजियस सेक्ट है वो तो नहीं आपने कोई फेस किया बिकॉज ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं आ, जो मज़हबी एक खास तबके का ख्याल है अवेयरनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है मुझे लगता है कि अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और वैसे भी अब वो दो बच्चे अच्छे वाला जो है ना वो स्लोगन जो है अब तो ये जो हमारे फैमिली प्लानिंग के जो इदारे हैं उन्होंने भी छोड़ दिए हैं तो उनका कि जितने बच्चे आप मुनासिब समझें <laughs> उतने अच्छे हैं लेकिन ये कि आप उसकी बच्ची का और उसका सेहत का ख्याल रखें तो उससे काफ़ी फ़र्क़ पड़ा है कई दफा ऐसा होता है कि मेरे पास जो है इंटरनेशनल पापुलेशन वेलफेयर के इदारे आते हैं वो कहते हैं अर्शद साहब आप ये क्या कर रहे हैं हम तो इतने फंड्स दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या खुद भी अपना जो है वो कर रहे हैं अवेयरनेस uh, क्रिएट कर रहे हैं कि जी बच्चे बुच्चे कम करें और आप हैं कि उनको फ्री मेटर्निटी सर्विस दे रहे हैं तो आप तो आबादी में इजाफा कर रहे हैं हमने कहा बिल्कुल नहीं कर ऐसा कुछ नहीं है हम जो लोगों ने जो बच्चे हैं वो तो करने ही हैं उन्होंने जो पाइपलाइन में हैं बच्चे हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं किसी तरीके से वो होम बेस के चक्कर में पढ़ने के बजाय यहाँ आके करें ताकि बच्चे की भी सेहत ठीक हो और वो भी ठीक हो लेकिन अंडर मीडियम टर्म हम वैसे उसमें सीरियसली गौर कर रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में हम पहली डिलीवरी पे सौ फीसद सपोर्ट करें दूसरी में फिफ्टी परसेंट और तीसरी में हम ये कहेंगे बस खुशी भी आप करें <laughs> तो खर्चा भी तब से करो तो फिर मिल चुके ताकि दोनों एंजॉय करें जस्ट टू हमें कोई इतराज़ नहीं इसलिए कि ये कोई कैलिस्ट्राफिक एक्सपेंडिचर लेके नहीं आती नौ महीने पहले आपको पता होते हैं कि अचानक बीमारी की तरह नहीं होती बिल्कुल पर अभी भी ये अभी अंडर डिलीवरेशन है देलिगरेशन। ये नहीं कि हम ये करने जा रहे हैं कि आपके सुनने वालों को ये पैगाम ना पहुंचे लेकिन ये चीज़ जैर गौर जरूर है मुख्तलिफ क्वार्टर्स की तरफ से ठीक एंड वे शॉर्ट एंड टाइम्स से वन लास्ट क्वेश्चन के

Uh, कामयाबी से चला लिया मेटर्निटी सर्विस के साथ तो मुझे लगता है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट तब्दीली आ जाएगी और जो हमारे जो कम अज़ कम बेसिक मसाइल थे हम उनसे ऊपर उठ के और लॉन्ग टर्म लाइफ एक्सपेक्टेंसी और क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाएंगे थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर ऑडियंस फॉर लिसनिंग एंड वी होप टू सी यू इन आर फ्यूचर पॉडकास्ट थैंक यू थैंक यू जी